नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस से। ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने शुरू किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 6 राज्यों के 116 जिलों से लोग कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए हुए शामिल। मध्य प्रदेश के 24 जिले आकांक्षी जिलों में अभियान में शामिल। राज्यसभा की 19 सीटों पर निर्विघ्न संपन्न हुआ मतदान। भाजपा ने 19 में से 8 सीटों पर जमाया कब्जा। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रोफेसर सुमेर सिंह और दिग्विजय सिंह पहुंचे राज्यसभा। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों को देश भर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दीपक सिंह के गृहग्राम पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। चीन सीमा विवाद पर सर्वदलीय बैठक में सरकार को मिला सभी दलों का समर्थन। पीएम ने कहा, भारत की एक इंच जमीन पर भी कोई नहीं उठा सकता आग। शहीद सैनिकों की वीरता को किया नमन। प्रदेश में कल मिले 156 नए संक्रमित मामलों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 11,580 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 495। एक्टिव मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या है ज्यादा। और प्रदेश भर में 21 जून को मनाए जाने वाले डिजिटल योग दिवस कार्यक्रम को लेकर लोगों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। कई मशहूर हस्तियों द्वारा भी आम लोगों को किया जा रहा योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित। घरों में रहकर ही योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। अब समाचार विस्तार से। गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आज से देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले से इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहे। 125 दिनों के इस अभियान के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस अभियान के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के भी 24 जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली जिले शामिल हैं। अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए के फंड से इस तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा। तो वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस अभियान से 2/3 प्रवासी श्रमिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है। ये अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीनीकरण ऊर्जा, सीमा, सड़क, दूर संचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास है। योजना के शुभारंभ के बाद उन्होंने देश के गांव और ग्रामीणों के प्रयासों की प्रशंसा की जो कोविड-19 से पूरे साहस के साथ सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी मजदूरों से बात भी की और गरीबों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलने के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने मजदूरों को आज शुरू किए गए रोजगार अभियान के तहत मिलने वाले फायदों से अवगत कराया और कहा कि इसके जरिए प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने के लक्ष्य का विवरण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आपके इस आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी और आपके श्रम से आपके गांव का विकास भी होगा। आज आपका ये सेवक और पूरा देश इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है। जो सहारे से नहीं, श्रम के सम्मान से जीते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आपके इस आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी और आपके श्रम से आपके गांव का विकास भी होगा। आज आपका ये सेवक और पूरा देश इसी सोच के साथ,
इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। मास्क लगाने का, गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का और 2 गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गांव, आपका घर इस संक्रमण से बचा रहेगा। ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और आपके साथ देश भी आगे बढ़े, इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। सिवनी और अलीराजपुर में योजना के लाभार्थियों ने अपने विचार डीडी न्यूज से साझा किए। हम नागपुर मजदूरी को गए थे, काम बंद होने के कारण कोरोना की वजह से वापस आ गए। हमारे गांव में मजदूरी नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना शुरू करी है, उससे हमको मजदूरी मिलेगी। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सजनी चौहान है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ और ग्राम लखनपुर से। और आज मैं अलीराजपुर में जन पंचायत में गरीब कल्याण योजना नरेंद्र मोदी के माध्यम से सुना गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि जो लोग बाहर काम कर जाते हैं वो कोरोना वायरस के कारण बाहर सब काम ठप हो गया, इसलिए नरेंद्र मोदी ने बताया कि अपना गांव में ही सेव धंधा करने के लिए बोला है। तो यह बात बहुत अच्छी लगी है। मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। 3 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस से 2-2 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस से प्रथम वरीयता के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए। कांग्रेस के दूसरे वरीयता के उम्मीदवार फूल सिंह वरैया को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले। 230 विधानसभा वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में मौजूद 206 विधायकों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। 2 वोट निरस्त हुए। विधानसभा के 1 कोरोना संक्रमित विधायक भी मतदान करने विधानसभा परिसर पहुंचे। 205 विधायकों के मतदान करने के बाद कोरोना संक्रमित 1 विधायक ने अंत में मतदान किया। एम्बुलेंस से पीपीई किट में विधानसभा पहुंचे विधायक के मतदान के बाद परिसर को सैनिटाइज किया गया। राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित घोषित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक वीडियो मैसेज के माध्यम से सभी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायकों एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार। आपने मुझे गृह प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से निभाऊंगा। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायकों एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से मेरा आभार। आपने मुझे मेरे गृह प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से निभाऊंगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मेरे दिल से धन्यवाद। कोविड पॉजिटिव होने के वजह से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूं, लेकिन शीघ्र ही आपके बीच आऊंगा।
ईश्वर से कामना है कि आप सभी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में रहने वाले शहीद राजेश ओरांग का पूर्व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद राजेश ओरांग को विदाई दी और उनकी शहादत को सलाम किया। शहीद राजेश ने अप्रतिम शौर्य और साहस का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उनके बलिदान को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री शामिल हुए। चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जयकिशोर सिंह को बिहार के वैशाली जिले स्थित उनके गाँव में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में परिजनों के साथ सैकड़ों गांव वालों ने शहीद जयकिशोर को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान भावुक कर देने वाला दृश्य उमड़ पड़ा उठा। इसी प्रकार ओडिशा के कंधमाल में शहीद चंद्रकांत प्रधान को सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी गई। इन शहीदों ने अपने जान कुर्बान पर भारत माँ की रक्षा की है। कंधमाल के रहने वाले शहीद चंद्रकांत ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते चीन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए मातृभूमि की रक्षा की है। उनके शौर्य और बलिदान को याद करते हुए कंधमाल में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान उन्हें याद करते हुए विदाई दी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के अलीमपुरदार में शहीद विपुल राय को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चीन के साथ पिछले दिनों हुए भारतीय सेना के संघर्ष में बहादुरी का परिचय देने वाले शहीद दीपक सिंह का कल उनके गृहग्राम फरेंदा में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद दीपक सिंह ने अप्रतिम बहादुरी का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। शुक्रवार को जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो इस दौरान हजारों लोग शामिल हुए और नम आंखों से अपने वीर सपूत को विदाई दी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत हजारों लोगों ने फरेंदा पहुंचकर शहीद की बहादुरी को नमन किया। मुख्यमंत्री के साथ आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, सांसद जनार्दन मिश्र सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने शहीद दीपक की अंतिम यात्रा में स्वयं कांधा दिया और उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। इस दौरान सीएम ने शहीद के परिजन को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और मकान देने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दीपक जैसे सपूत के कारण आज ये गांव धन्य हो गया है। इस गांव की माटी धन्य है जहां इतना वीर पुत्र जन्मा। उन्होंने आम जनता का आह्वान करते हुए चीन के बने सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। सीएम ने कहा कि सभी प्रदेशवासी देशभक्ति के भाव से भरकर स्वदेशी अपनाएं, लोकल में जो बनता है उसका उपयोग करें और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद दीपक सिंह के ग्राम के मार्ग का नामकरण उनके नाम से किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम में दीपक सिंह की प्रतिमा स्थापित भी की जाएगी। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के इस देशभक्त के बलिदान पर प्रदेश का हर नागरिक गर्व का अनुभव कर रहा है। परिजनों को शासन की ओर से आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इससे पहले स्वर्गीय दीपक सिंह के निवास पहुंचकर उनके पिता गजराज सिंह गहरवार, पत्नी रेखा सिंह, भाई प्रकाश सिंह आदि से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। श्री चौहान ने शहीद स्वर्गीय दीपक सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। यहाँ की धरती धन्य हो गई, रीवा जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया,
दीपक सिंह चले गए, लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है, इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में ही पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम पर स्मृति को अमर करने के लिए हम वो व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि ना तो किसी ने भारतीय क्षेत्र में कोई अतिक्रमण किया है और ना ही किसी पोस्ट पर कोई जबरन कब्जा किया गया है। चीन के साथ गहराए तनाव के बीच कई अहम सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने सीमा पर जो हरकत की है उससे पूरा देश आहत है और आक्रोशित है। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले चीन को चेतावनी दी थी कि यदि भारत को उकसाया गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये सख्त रुख सर्वदलीय बैठक में भी दिखाई दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता सबसे ऊपर है। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने देश के करीब सभी प्रमुख दलों के समक्ष कहा कि हमारी सेनाएं वह सब कुछ कर रही हैं जो उन्हें देश की रक्षा के लिए करना चाहिए, चाहे मामला सैन्य मोर्चे पर तैनाती का हो, कार्रवाई का, या फिर जवाबी कदम उठाने का। सेनाएं हर बात का माकूल जवाब दे रही हैं। यह सर्वदलीय बैठक गलवान घाटी में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले दिनों हुई भिड़ंत के परिप्रेक्ष्य में बुलाई गई थी। इस भिड़ंत में 20 भारतीय सैनिकों ने अप्रतिम बहादुरी का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि इस दौरान चीन के 40 से अधिक सैनिकों को भी हमारे सैनिकों ने मार गिराया था। हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा LAC पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी
चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंड्स चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कहा कि योग कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न कई चुनौतियों का बहुआयामी समाधान मुहैया कराता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस बार ये दिवस अपने घरों में ही मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घातक वायरस ने गतिशीलता को कम कर दिया है, लेकिन इससे उत्साह को प्रभावित नहीं होना चाहिए। मोदी ने कहा कि योग मन और शरीर के बीच की दूरी को समाप्त करता है, जो कई समस्याओं की जड़ है। श्री मोदी ने कहा कि जीवन में जो हमारे पास है और हम जो जीवन से चाहते हैं, उसके बीच की दूरी भी योग से समाप्त होती है। उन्होंने कहा कि योग उम्मीदों और वास्तविकता के बीच की दूरी को भी समाप्त करता है। उन्होंने कहा, योग के नियमित अभ्यास से भावनात्मक शक्ति और सहानुभूति मिलती है। उन्होंने लोगों से कहा कि इस साल विशेष स्थिति होने के कारण लोगों को अपने घरों में ही ये दिवस मनाना चाहिए। फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑन द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। I'm very happy to note the growing popularity of yoga in the last few years and especially among the youth. We are marking the 6th yoga day in extraordinary times. Usually, yoga day is about public events, mass participation. This year, yoga day goes indoors. The theme of the year is yoga at home and yoga with family. Friends, the world is fighting a pandemic of monumental scale, but yoga provides multi-dimensional solutions to the multiple challenges COVID-19 has brought. Yoga gives you the opportunity to know your immune system better and put in the extra efforts where needed. Yoga has the potential to cater to mental, physical, and psychological challenges. It puts to test how one can live in challenging times. Friends, yoga offers something for everyone. It enables strong mind and healthy body. In the post-COVID era, the focus on preventive health care will get stronger. And that is why I'm confident that yoga will become even more popular. Friends, these are times of distancing. But do you know that yoga is what ends distance? It is said, yujyate anen iti yogaha. Yoga is that which joins or brings things together. Yoga ends various kinds of distance. Distance between our mind and body, which is the root cause of many problems. Distance between the life we have and the life we want to have. Distance between our expectations and reality, which can become a source of stress. Friends, the regular practice of yoga gives emotional strength and empathy. We begin to understand that others would be going through the same struggle as us. So, we become a shoulder of support for someone in need of it. Friends, the COVID-19 pandemic may have reduced our mobility, but it should not affect our enthusiasm towards yoga. People have been sharing innovative ways to practice yoga in times of the pandemic. They are also sharing how they will mark Yoga Day on the 21st. This is a great sign. This time,
स्मॉल इज स्मार्ट एंड स्मॉल इज गुड, रिस्पेक्टिंग द प्रेजेंट सिचुएशन लेट अस मार्क द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फ्रॉम अवर होम्स विथ अवर फैमिली एंड लेट अस फॉलो ऑल नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, लेट अस मेक योगा मोर पॉपुलर एंड अवर प्लेनेट हेल्दियर। थैंक यू। कल 21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। योग दिवस को लेकर मध्य प्रदेश में भी व्यापक तैयारियां जारी हैं। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए पूरे प्रदेश में योग की गतिविधियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएंगी। योग दिवस के अवसर पर दूरदर्शन मध्य प्रदेश भी आपके लिए लेकर आ रहा है खास प्रस्तुति। योग पर्व पर देखिए प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम 21 जून को 9 से 10 बजे तक सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। मिस इंडिया एलिगेंट रह चुकी रायसेन की दिव्यांशी यादव दैनिक जीवन में योग करना काफी जरूरी मानती हैं। रायसेन की बेटी दिव्यांशी यादव ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कहा कि योग को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। दिव्यांशी ने कहा कि योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, लिहाजा सभी को नियमित योग करना चाहिए। मेरा नाम दिव्यांशी यादव है और मैं मिस इंडिया एलिगेंट रह चुकी हूँ। मैंने प्रोफेशनली योगा की ट्रेनिंग ले रखी है। मैंने 2 साल तक योगा की ट्रेनिंग ली थी एंड देन उसके बाद मैंने द शमी योगालयस मुंबई से भी योगा की ट्रेनिंग ले रखी है। योगा के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि योगा को हमें एज ए लाइफ स्टाइल लेना चाहिए। जैसे कि हम ये दौर देख रहे हैं, COVID-19 का दौर, ये क्राइसिस देख रहे हैं, इसमें जो सबसे, इसकी वैक्सीन नहीं है, इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है वो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। अगर वो ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हम COVID-19 क्या, हम छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ सकेंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए योगा आपकी बहुत मदद करता है। मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा अपना शेयर करना चाहूँगी। मुझे बचपन से ही एलर्जी की प्रॉब्लम थी, मुझे डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम थी। योगा ने, मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन मुझे कोई भी दवाइयाँ सूट नहीं करी। योगा ने मुझे काफ़ी मदद करी। मैंने जब से योगा करना स्टार्ट कर दिया था उस दौरान मेरी वो बीमारी थोड़ी 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 कम होते होते और आज मुझे उस बीमारी की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे बिल्कुल एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ मैं इससे बहुत ज़्यादा जूझ रही थी, मुझे हर दिन तकलीफ होती थी, मुझे काफ़ी सारी उलझने होती थी बिकॉज ऑफ एलर्जी, तो योगा ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मदद करी है। तो बस मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आइए इस योग दिवस हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं, कुछ समय खुद के लिए भी निकालते हैं। छतरपुर की रहने वाली उभरती बाल कलाकार माही सोनी दिन की शुरुआत योग अभ्यास से करती हैं। कई सीरियल में काम कर चुकी ये नन्ही कलाकार योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना चुकी हैं। वर्तमान में मुंबई में रह रही माही अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच योग करना नहीं भूलती। उन्होंने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि सभी को नियमित तौर पर योग करना चाहिए। नमस्कार, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण इस बार सामूहिक बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा, मगर विश्व योगा दिवस भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल योग के रूप में मनाया जाता है। योगा आवश्यक क्यों है आप समझ सकते हैं। कोरोना के इस दौर में योगा का महत्व, आप सभी लोग योगा जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। हमें आपसे उम्मीद है कि जो लोग योगा नहीं करते थे आज से योगा आरंभ करेंगे और आप अपनी छोटी सी माही की बात जरूर मानेंगे।
आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में जल संरक्षण के लिए लंबे समय से काम कर रहे पद्मश्री महेश शर्मा जी ने दैनिक जीवन में योग को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। वे स्वयं हर दिन योग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पद्मश्री महेश शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों से घर में रहकर योग करने की अपील की है। इस तारीख को जून का महीना है तो विश्व के स्तर पर योग दिवस प्रारंभ किया है अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विशेष प्रयास किया और योग का हमारे व्यक्तिगत जीवन में उससे अधिक सामूहिक जीवन में राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि केवल जीव और परमात्मा का मेल नहीं है, हर व्यक्ति से व्यक्ति का मेल, हर व्यक्ति के काम का मेल, पशु पक्षियों से मेल, वास्तव में योग का अर्थ है जुड़ के काम करना, मिलजुल करके काम करना। और इसकी जो गतिविधियां हैं, आसन है, प्राणायाम है, तो ये सारी गतिविधियां हमें आपस में जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ रह करके काम करना, जिसे हम ये बोलते हैं कि सब साथ में रहें, साथ में चलें, इस भाव को बनाने के लिए योग है। और योग वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा, ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। भारतवासियों का इसे मस्तक ऊंचा हुआ है, हमारा ज्ञान विश्वभर में फैला है। तो मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वे 21 जून के दिन जो वैश्विक स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है, वो अपने घर में रह करके, इस लॉकडाउन की एक व्यवस्था है इसलिए अपने घर में रह के परिवार के साथ योग दिवस को मनाएं, योग के रूप में मनाएं, योग की भावना समझें, योग का विचार समझें और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करें। स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर छतरपुर जिले की रहने वाली डॉक्टर नंदिता पाठक दैनिक जीवन में योग को काफी जरूरी मानती हैं। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए वे स्वयं नियमित योग करती हैं। डॉक्टर नंदिता पाठक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी प्रदेशवासियों से योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने और घर में रहकर योग करने की अपील की है। गणना लघु चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अपने ऋषि मुनियों के परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है, प्रतिष्ठा दिलाए है। इसीलिए 21 जून को पूरा विश्व के लोग योग दिवस के रूप में मनाती है। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, कोरोना महामारी के चलते हम लोग बड़े बड़े आयोजन नहीं कर सकते, इसीलिए हेल्थ एडवाइजरी को मानते हुए हम लोग अपने परिवार में, परिवार के सदस्यों के साथ घर में रहते हुए योग, व्यायाम, योगासन कर अपने आप को स्वस्थ बनाइए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाइएगा और खुशहाली का जीवन व्यतीत करिए और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाइए। आप सब लोगों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। नरसिंहपुर जिले में समाज सेवा का पर्याय बन चुके आशीष नेमा अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योग को काफी आवश्यक मानते हैं। वे हर साल लोगों के लिए निशुल्क योग शिविर का भी आयोजन करते हैं। इसके साथ ही जिले में सामाजिक कार्यक्रमों में आशीष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आशीष नेमा जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों से घर में रहकर योग करने की अपील की है। भारत जो कि योग का जन्मदाता है
और हमारे उस समय में जब ये संकट कई बार आ चुके हैं, ऐसे समय में भारत देश में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई बड़े विशेष प्रकार के लेबोरेटरी थी ना, दवाइयाँ थी, उस समय लोग कैसे स्वस्थ रखते थे? योग के माध्यम से रखते थे। अब चूँकि कोरोना काल में हम बाहर नहीं निकल सकते, तो घर में ही रहकर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, आज 5 में से 4 तत्व प्रदूषण की ओर पहुँच चुके हैं। हवा, पानी, वायु, ये जल सभी प्रदूषित हो चुके हैं। अब चूँकि आपको इनको देखते हुए अपना भोजन ग्रहण करना है, आपका जो सिस्टम है, आपका भोजन करने का तरीका विशेष रूप से आपके शरीर को पोषक देने वाला होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, कोरोना में जो परंपरागत चिकित्सा के जो तरीके बताए गए वो तो उसका पालन करना ही है, लेकिन सवाल ये है कि अब हम व्यक्तिगत रूप से क्या करें। तो व्यक्तिगत रूप से करने के लिए कोरोना का जो भी वायरस है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। तो लंग्स में जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। व्यक्ति जब उसका कोरोना का परसेंटेज जब हाई परसेंटेज जब पहुँचता है तो उसके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वेंटिलेटर में उसको उपलब्ध कराया जाता है। तो उस समय हमारे लाखों वर्ष पूर्व प्राणायाम बताया गया था। प्राणायाम के माध्यम से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। लोगों से मैं अपील ये करूँगा कि भाई वर्तमान समय में आप अपने हाथ में जो है, आप प्राणायाम सुबह के समय सर्वश्रेष्ठ समय, सुबह के समय आप सूर्योदय के पहले आप प्राणायाम करें, भस्त्री का प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें और नींद पर्याप्त। ग्रामीण आदिवासी समाज की महिलाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग के प्रति जागरूक बनाने वाली माया विश्वकर्मा कोरोना संकट काल के इस दौर में प्रवासी श्रमिकों की सेवा में जी जान से जुटी हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच माया जी नियमित योग अभ्यास करती हैं। अमेरिका में वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही माया जी युवाओं के लिए योग को काफी जरूरी मानती हैं। योगा दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि योगा हम सब की जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हम सभी को अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए। मैं योगा की प्रैक्टिस करती हूँ और जो भी नई पीढ़ी है उनको भी हम योगा सिखाते हैं, उनके साथ योगा करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे अपना काम हो या जो भी चीज़ें हैं, उसमें उन सब हमें योगा के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के समय में इतनी ज़्यादा महामारी है और सभी कहते हैं कि योगा से हमारे शरीर का संतुलन तो बना ही रहता है, उसके साथ साथ इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो हम सबको अपनाना चाहिए और जहाँ तक मोदी जी ने इसको बहुत बड़े स्तर पर करते हैं 21 जून को और पूरे विश्व भर में योगा दिवस के नाम से हम मनाते हैं, तो भारत का योगा कहाँ कहाँ पहुँचा है। और अभी हम सभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हम एक योगा विश्व गुरु के नाम से छाए हुए हैं, तो एक हमारा एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें कितने भी कार्य में हम व्यस्त हों लेकिन योगा जरूर अपनाना चाहिए और हम सबको निकालना चाहिए समय, और जो नई पीढ़ी है उसको खास तौर से इसमें साथ में लाना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की रहने वाली रोमा रघुवंशी राय मिसेज इंडिया मध्य प्रदेश 2019-20 रह चुकी हैं। वे इन दिनों बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट ग्रुप की सदस्य भी हैं। रोमा रघुवंशी अपने फिजिकल फिटनेस के लिए नियमित योग को जरूरी मानती हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से नियमित योग करने की अपील की है।
नमस्कार, मेरा नाम रोमा रघुवंशी रॉय है और मैं मिसेस इंडिया मध्य प्रदेश 2019-20 की विनर हूँ। आज के टाइम में योगा मैक्सिमम लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, डेली रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। कई लोग हैं जो दिन की शुरुआत योगा से करते हैं, क्योंकि योगा सिर्फ आपको शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रखता, वो काफी सारी बीमारियों को भी आपसे दूर रखता है। आज के टाइम में काफी सारे लोग 2 से 3 घंटा जिम जाते हैं ताकि वो अपने फिजिक को स्ट्रांग रख सकें, बट योगा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं 2 से 3 घंटा तो नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ उसे 20 मिनट दिन के देंगे तो आप शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। वैसे तो बहुत सारे योगा फॉर्म्स हैं, पर सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा है जिसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। अगर हम उसे रिपीटेशन में 3 से 4 बार करें तो शायद वो पूरे दिन के लिए भी इनफ होता है। और जो लोग योगा रेगुलरली करते हैं उन्हें पता होगा कि आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में योगा आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री करता है। योगा का जन्म इंडिया में ही हुआ है, पर आज योगा पूरे विश्व में जाना जाता है। काफ़ी सारे लोग ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि काफ़ी सारी अदर कंट्रीज में भी योगा को रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी हम सबको पता है कि COVID-19 किस तरह पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, और इसके चलते हम सबको हमारी लाइफ में योगा को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, क्योंकि एक COVID-19 से लड़ने का जरिया योगा भी है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपको जितना हो सके उतना COVID-19 से दूर रखेगा। सागर के रहने वाले पूर्व हॉकी खिलाड़ी गुरजीत सिंह अहलूवालिया आज भी अपनी शारीरिक फिटनेस के लिए कसरत और योग अभ्यास करते हैं। गुरजीत सिंह हर दिन 1 घंटे योग करते हैं। वे शारीरिक क्षमता बनाए रखने, दिमाग को तरोताजा और सकारात्मक वृत्ति के लिए नियमित योग को जरूरी मानते हैं। योग की प्रथा जो है ये बहुत प्राचीन है। भारतवर्ष में जितने भी पुराने लोग हैं हमारे, वो हमेशा ही योग करते थे। मैं एक नेशनल लेवल का हॉकी का खिलाड़ी हूँ। योग में जो भी आज ये क्रियाएं हो रही हैं, ये हम निरंतर रोज करते थे। इससे मनोबल बढ़ता है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति जो है बढ़ती है। आज का युवा जो है वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और जिसका कारण है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत युवा अवस्था में ही बहुत गंभीर समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। उसका कारण है कि सारा दिन लोग हाथ में मोबाइल लेकर व्हाट्सएप, चिटचैट, इस प्रकार के क्रियाओं में जो है ज़्यादा संलग्न हो गए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप रोजाना सुबह उठ के कम से कम 5 किलोमीटर रोजाना दौड़िए। सुबह दौड़ने के बाद में करीबन 1 घंटा जो है ये जिसको योग बोला जाता है, हमारे आर्मी में इसको जो है एक्सरसाइज बोली जाती थी, और ये सब एक्सरसाइज करिए, आपकी इम्यूनेशन बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आपको किसी प्रकार की दुर्घटना से जो है आप हमेशा जो है बचे रहेंगे। आज भी उस एक्सरसाइज का मुझे समझ में आ रहा है, उन दिनों की एक्सरसाइज की हुई शारीरिक जो है क्षमताएँ हमारी जो है बढ़ी हुई हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है उससे, और दिमाग जो है वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि हमेशा एक अच्छा ही काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, कभी भी गलत चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। सागर के रहने वाले राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग शिक्षक डॉक्टर विष्णु आर्य योग को जीवन के लिए काफी जरूरी मानते हैं। उनके मुताबिक योग करने से न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। डॉक्टर विष्णु आर्य हर दिन 1 घंटे योग करना जरूरी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिक्षक डॉक्टर विष्णु आर्य ने सभी से योग को अपने जीवन में शामिल करने की जरूरत बताई है।
वास्तव में ये जो योगी की संस्कृति है ये प्राचीनतम संस्कृति है और योग के माध्यम से अनादिकाल से लोग शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति करते रहे हैं, साथ साथ में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में विशेष प्रकार की गतिविधि बढ़ाने के लिए मन की एकाग्रता के लिए भी योग आवश्यक है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग और दीर्घायु की कामना भी करते हैं कि उन्होंने योग की संस्कृति को विश्व मंच पर रख दिया और विगत वर्षों से लगातार योग का जो अभ्यास लोग कर रहे हैं करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व में, उनके शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। वर्तमान समय में जो लॉकडाउन चला हुआ है, जो कोरोना बीमारी चली हुई है, इससे सबसे ज़्यादा जो बीमारी परेशानी हो रही है वो है मानसिक तनाव की और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है और योग की आज उतनी ज़्यादा आवश्यकता है जितनी पहले नहीं थी। जैसे भोजन पानी अनिवार्य है, इसी प्रकार से यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को प्रसन्न रखना है, बुद्धि तीव्र रखना है तो उसके लिए नियमित कम से कम आधा घंटे पौन घंटे योग अभ्यास और ध्यान करना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता हर व्यक्ति को है कि जैसे जितना भी समय हो घर में बैठ करके आधा घंटे पौन घंटे बच्चे पत्नी परिवार के साथ योग अभ्यास करें तो उनके लिए तीन बातों का फायदा होगा। पहला तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, पैसे बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा लाभ ये होगा कि अच्छे संस्कार पड़ेंगे और अच्छे संस्कार पढ़ने से संतान के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में वो योग्य अच्छे योग्य विद्यार्थी और संतान परिवार की समाज की सेवा कर पाएंगे। सागर के ही रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय कूडो खिलाड़ी सोहेल खान भी अपने शारीरिक दमखम के लिए नियमित प्रैक्टिस के साथ योग को जरूरी मानते हैं। सोहेल खान ने सभी युवाओं से योग दिवस पर योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है। मोहम्मद सोहेल खान है और मैं कूडो का प्लेयर हूं और कूडो में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। और जैसे कि अभी योग दिवस आने वाला है तो मेरी योग बहुत मेरे ज़िंदगी से रिलेट करता है क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हम प्रोत्साहन एज अ प्लेयर हमेशा फिज़िकली एक्टिविटीज़ में जुटे रहते हैं। और मेरा इस माध्यम से ये संदेश है कि जो लोग फिज़िकल एक्सरसाइज पे वर्क नहीं कर पाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल वर्क के जिम में ही जाके करें या फिर आप दौड़ने ही जाएं बाहर, आप घर पे बैठ के भी योग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक घंटा आधा घंटा जितना भी आप लोगों को समय मिले उस समय में आप योग कर सकते हैं और अलग अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल में बतौर खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही कल्याणी द्विवेदी सागर की रहने वाली हैं। वे दैनिक जीवन में योग को भी काफी महत्वपूर्ण मानती हैं। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में कल्याणी द्विवेदी ने सभी से घर में रहकर योग करने की अपील की है। योगा हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि योग से ही आज हम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि प्लेयर की बात करें तो प्लेयर भी अपने जीवन में योगा को कहीं ना कहीं बहुत महत्व देते हैं फिटनेस के रूप में। युवाओं को देखें तो वो भी अपनी फिटनेस के लिए योगा करते हैं और बुज़ुर्ग और महिलाएँ ये सभी कहीं ना कहीं योगा से जुड़े हुए हैं। पहले तो जब ये COVID-19 अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तब जब नहीं था तो क्लब और पार्क और ऐसे कहीं संस्थान में जाके योगा करते थे, लेकिन योगा के लिए मुझे नहीं लगता कि इन संस्थाओं में जाने के लिए आपको ज़रूरत है। आप घर पर
बैठकर भी योगा कर सकते हैं, छत पर बैठकर आप योगा कर सकते हैं, अगर आपके पास छत नहीं है तो आप रूम में बैठ के योगा कर सकते हैं। योगा के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। और इन सब सभी योगा अगर नहीं कर सकते हैं तो उनमें कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको आप करके स्वस्थ रह सकते हैं। आप इम्यूनिटी पावर डेवलप कर सकते हैं, आपकी ब्रीथिंग, आपका नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं योगा के माध्यम से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। नागदा के रहने वाले साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र मीणा स्वस्थ रहने के लिए योग को काफी जरूरी मानते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र मीणा ने कहा कि हर नागरिक को नियमित तौर पर योग कर खुद को स्वस्थ और प्रसन्न रखना चाहिए। योग दिवस की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अगर हमारा तन स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हम राष्ट्र के एक एक नागरिक को स्वस्थ होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। योग की कितनी विधाएं हैं, योग को हम कितना बारीकी से समझते हैं। हम प्रातःकाल उठने के बाद भ्रमण करने के हम आदि हैं, हमको साइकिलिंग करना आता है, हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है, हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह हम समझना चाहते हैं, समझते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो यकीन हम योग के प्रति समर्पित हैं। मेरा आपसे आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी अभूतपूर्व महत्वपूर्ण भागीदारी दीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो यकीनन आपकी जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं है। और एक इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि समाज के सर्वांगीण विकास में जिस प्रकार से आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार को, समाज को, अपने आसपास के लोगों को भी योग के प्रति जागरूक कीजिए। उनको बताइए कि योग से कितना प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे, आपके मनोवैज्ञानिक स्थिति पे, आपके विचारों पे, आपकी दृष्टि पे, आपके सोच पर, आपके नजरिए पे। अगर आप ये काम कर पाते हैं तो यकीनन आप एक देश के सच्चे नागरिक होने की अहम भूमिका निभा सकते हैं। खंडवा के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन दिनों योग करवाकर स्वस्थ रखने की एक सुखद तस्वीर सामने आई है। दरअसल इन कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ योग करवाकर उन्हें फिट रखा जा रहा है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षित नर्स उन्हें हर दिन योग के तरह तरह के अभ्यास करवाती हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि योग से इनके तनाव भी दूर हो रहा है, वहीं ये जल्दी जल्दी स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसी योग के सहारे अब तक सैकड़ों मरीज स्वस्थ होकर कोविड वार्ड से अपने घर जाकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। तनाव को दूर करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और इस प्रकार से उनके तनाव को काफी परिवर्तन महसूस हमारे कर्मचारियों द्वारा बताया गया है। तो इस प्रकार ये लगत तनाव को दूर करने के लिए हमारे कर्मचारी द्वारा योग शिक्षा दी जाएगी और योग करवाया जाएगा। 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में संक्रमण को रोकने के लिए सभी से घर में रहकर योग करने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर श्योपुर जिले में भी लोगों की योग के प्रति रुचि बढ़ रही है। जिला मुख्यालय पर लोग नियमित योग कर रहे हैं। स्थानीय रहवासी नियमित तौर पर अनुलोम विलोम, कपालभाति, भाद्रिका सहित अन्य योग आसन कर रहे हैं। श्योपुर में रहने वाले शिक्षक दिनेश साहू हर दिन लोगों को योग की शिक्षा देते हैं। उनसे हर दिन कई लोग योग सीख रहे हैं और अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। योग गुरु दिनेश साहू अब तक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से हजारों लोगों को योग सिखा चुके हैं। वे अब तक जिले में करीब 150 से अधिक योग शिविर आयोजित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि योग से कई प्रकार की बीमारियां जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा आदि का निदान बखूबी किया जा सकता है। लोगों को 21 जून को विश्व योग दिवस पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नियमित योग करेंगे और अपने परिवार, संगी साथियों को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस कोरोना महामारी के चलते
एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, सामाजिक दूरी बनाकर अपने घर पर रहकर योग अवश्य करें। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिले में बूढ़े बच्चों महिलाओं में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पूरे विश्व में देख रहे हैं कि जो महामारी फैली हुई है कोरोना, इस संकट को देखते हुए हमें एकत्रित नहीं होना है ज्यादा संख्या में, तो ये जो योग की गंगा है ये बहती रहे, और जो सिस्टम है हमारे मोदी जी उस सिस्टम के कारण जो दिखाया जा रहा है टीवी पर या जहाँ से भी हमें जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के तहत हम योग को घर पर ही करें, साफ सुथरी जगह करें, छत पर करें, कुछ आसन बिछा कर करें हम, और जो नियम है उस योग के जरूर करें। और योग करने से बहुत लाभ है, मैं भी कंटिन्यूस लगभग 6 वर्षों से योग कर रहा हूँ और निःशुल्क लोगों को योग कराता हूँ। करीबन ये योग मैं कंटिन्यू लगातार 2 वर्षों से कर रहा हूँ। मेरा जो वजन था वो 97 था, लगातार मैंने इसमें योगा करते करते मैंने आज 12 से 13 किलो वजन मैंने कम किया है, और ऐसा महसूस होता है जब मैं योगा करके जब अपने आप में एक फील करता हूँ, एक शरीर को आराम मिलता है। मेरी बीमारियों में भी बहुत फ़र्क पड़ा इसके अंदर। मेरा शुगर था, शुगर लेवल मेरा लगभग 250 से 300 के लगभग रहता था, लेकिन अब वो 150 और 160 के बीच में रहता है। बीपी का भी मैं पेशेंट हूँ, लेकिन मैंने जब से योगा स्टार्ट की निश्चित रूप से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और मैं हमारे साथियों के साथ ये दिनेश साहू जी जो है वो हमें योगा कराते हैं। कम से कम 15 से 20 आदमी इसमें रहते हैं, अभी सोशल डिस्टेंस की वजह से थोड़े कम आए, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि योगा हर व्यक्ति को करना चाहिए। सुबह उठकर योगा से अनेक लाभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योगा दिवस के उपलक्ष्य में सबको योगा करना के लिए कहा है, वो घर पर ही करें, न कि कहीं जाके करें, घर पे अपने ऊपर छत पे कर ले, कमरे में कर ले। और योगा करने से शरीर में बहुत ही लाभ मिलता है। मैं करीब 2 साल से योगा कर रहा हूँ, मेरा 91 किलो वजन हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि वजन को कम करो कम करो, तो वजन योगा 2 साल से करने से वजन इतना कम हो गया कि आज 78 यानी 13 किलो वजन कम कर लिया मैंने। काफ़ी बीमारियों में उससे लाभ मिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने शुरू किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 6 राज्यों के 116 जिलों से लोग कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए हुए शामिल। मध्य प्रदेश के 24 आकांक्षी जिले भी शामिल। राज्यसभा की 19 सीटों पर निर्विघ्न संपन्न हुआ मतदान। भाजपा ने 19 में से 8 सीटों पर जमाया कब्जा। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रोफेसर सुमित सिंह और दिग्विजय सिंह पहुंचे राज्यसभा। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों का देश भर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दीपक सिंह के गृह ग्राम पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। चीन सीमा विवाद पर सर्वदलीय बैठक में सरकार को मिला सभी दलों का समर्थन। पीएम ने कहा, भारत की 1 इंच जमीन पर कोई नहीं उठा सकता आंख। शहीद सैनिकों की वीरता को किया नमन। प्रदेश में शुक्रवार को मिले 156 नए संक्रमित मामलों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 11,580 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 495। एक्टिव मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या है ज्यादा। और प्रदेश भर में 21 जून को मनाए जाने वाले डिजिटल योग दिवस कार्यक्रमों को लेकर लोगों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। कई मशहूर हस्तियों द्वारा भी आम लोगों को किया जा रहा है योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित। घरों में रहकर ही योग दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील। बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।